मैं हूँ पूजा गोयल खूबसूरत सैलून से। आज हम करेंगे डिफरेंट यूज ऑफ ब्रशेस इन मेकअप। मेकअप करना कितना आसान हो जाता है अगर आपके पास सही तरीके के ब्रशेस हों। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंसीलिंग ब्रश से। तो आइए देखें, ये है एक कंसीलर ब्रश। इससे हम कंसीलिंग करते हैं जहाँ जहाँ हमें कंसीलिंग की ज़रूरत होती है, जैसे कि आइज़ के डार्क सर्कल्स हैं या एक्ने के ब्लेमिशेस हैं, उनको छुपाने के लिए हम कंसीलर का इस्तेमाल करते हैं। एक शेड डार्कर लेके ब्रश पे हम कंसीलिंग करेंगे और जहाँ जहाँ हमें कंसीलिंग की ज़रूरत है वहाँ हम ये प्रोडक्ट लगाएंगे। ये बेस ब्रश है, ब्रश पर बेस लेंगे। सबसे पहले बेस फॉरहेड पे लगाया, स्पॉन्ज की मदद से उस बेस को हम फैलाएंगे। बेस ब्रश से आपने सिर्फ प्रोडक्ट को लगाना है स्किन के ऊपर और स्पॉन्ज के साथ उसे डैप करना है। जहां जहां आपने कंसीलर पहले लगाया था वहां वहां उसके ऊपर बेस दोबारा लगाएंगे। बेस लगाने के बाद बारी आती है बेस को सेट करने की। बेस को सेट करने के लिए हम ये लूज पाउडर ब्रश लेंगे और ज़रा सा लूज पाउडर लेके डैप करेंगे हाथ पे, और जितना इसमें रह जाए वो हम फेस पे लगाएंगे। लूज पाउडर को हमें सिर्फ फेस पे दबाना है ताकि वो अच्छे से स्किन में चला जाए। इसके बाद आपने ये पॉलिशर ब्रश लेना है। पॉलिशर ब्रश से आपने स्किन की पॉलिशिंग करनी है। पॉलिशिंग ब्रश से स्किन पे शाइन तो आती ही आती है, साथ में जो भी एक्स्ट्रा बेस या एक्स्ट्रा लूज पाउडर आपने लगाया होता है वो भी अच्छे से स्मच हो जाता है और स्किन आपकी इवन और इक्वल दिखाई देती है। अब बारी आती है फेस कॉन्टोरिंग की। ब्रश से एक कट लगाएंगे हम, क्योंकि ये एक एंगुलर शेप ब्रश है तो कट लगाने में आसानी होगी। स्मच करने के लिए जो भी आपने ये लाइन पहले बनाई थी आपने ब्रश को दो फिंगर्स में पकड़ना है और सिर्फ आगे पीछे रब करना है, उससे आपकी जो लाइन आपने पहले लगाई थी वो सॉफ्ट हो जाती है। सेम दूसरी तरफ से सेम नोज के साइड से जो आपने पहले कट दिए थे। अब बारी आती है चीक्स की हाइलाइटिंग की। हाइलाइटिंग के लिए हम एक लाइट कलर लेंगे और उसे पहले डैब करेंगे और फिर नॉर्मल सर्कुलर मोशंस में घुमाएंगे। अब बारी आती है आईज की। जब आईज को हमें शेप देनी है तो हम एक डार्कर कलर लेंगे आई शैडो ब्रश के ऊपर, और सबसे पहले आईज हमारी जहाँ ख़त्म होती हैं और जहाँ हमारी आईब्रोज जहाँ ख़त्म होती हैं उसको जैसे हम ज्वाइन करते हैं वो लाइन होती होनी चाहिए, वो एक गाइडलाइन होनी चाहिए जहाँ पर हमें आई शैडो लगाना है। दोनों तरफ से एक डार्क आई शैडो लगाते हुए हम ब्रश को अंदर की तरफ लेके जाएंगे। जब आप इनर कॉर्नर में आई शैडो लगाते हैं हमेशा अंदर से आप बाहर की तरफ जाते हैं। जब आप बाहर कंटूरिंग कर रहे होते हैं या आईज को एक शेप दे रहे होते हैं तो ब्रश हमेशा बाहर से अंदर की तरफ आता है। यह हमारा आई मेकअप जो आई शैडोज के ब्रशेस के साथ किया जा रहा है वो कम्प्लीट होता है। अब बारी आती है आई लाइनर की। मैंने आई लाइनर में ही जो ब्रश आया है वो यूज़ कर रही हूँ। यहाँ हमारा लाइनर पूरा होता है। लाइनर के बाद अब बारी आती है मस्कारा की। मस्कारा में ही जो मस्कारा ब्रश होता है सबसे पहले हम मस्कारा की एप्लीकेशन उससे करेंगे। हमेशा अंदर से बाहर की तरफ लेकर आएंगे आप ब्रश को। मस्कारा को आप आईलैशेस के नीचे से भी लगाएंगे
और ऊपर से भी लगाएंगे। सेम आईलैशेस आईज की जो नीचे हैं उनके ऊपर हम लगाएंगे। अब बारी आती है एक एंगुलर ब्रश से जो हमारे आईब्रोज हैं उनको फिल करने के। हमने एंगुलर ब्रश पे रखा है और पहले हम अपने आईब्रोज पे, क्योंकि यहाँ के हमारे बाल सीधे होते हैं तो इसलिए हम कलर और ब्रश के जो स्ट्रोक्स हैं वो सीधा सीधा लगाएंगे, और उसके बाद आस्ते आस्ते आपका ब्रश भी टिल्ट होता जाएगा। बट फिलिंग की ज़रूरत जहाँ है आप वहीं पर करें ज़्यादा। उसके बाद पॉलिशर ब्रश से जो भी एक्स्ट्रा आपको आई शैडो ऐसा लग रहा है कि इधर उधर फैल गया है या पॉलिशर ब्रश से उसे क्लीन करेंगे। अब बारी आती है लिप्स की। लिपस्टिक के लिए आपको एक लिप लाइनर ब्रश चाहिए और साथ ही साथ एक लिपस्टिक जो अंदर आपने फिल करनी है उसके लिए एक लिप फिलर ब्रश चाहिए। आप चाहे तो लिप लाइनिंग आप एक लिपस्टिक की जो आई पेंसिल्स जो लिप सॉरी जो लिप पेंसिल्स आती हैं उनसे भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो एक नॉर्मल लिप लाइनर ब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमने एक नेचुरल ब्राउन कलर लिया है। सबसे पहले इससे हम लिप्स की आउटलाइन बनाएंगे। जो हमारे लिप्स के टेम्पल्स होते हैं सबसे पहले आप वहाँ से लाइनिंग बनाना शुरू करेंगे। और दोनों लिप्स के एंड से इस लाइन को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ हमारा मेकअप कंप्लीट होता है। तो आपने देखा डिफरेंट ब्रशेस की मदद से आप मेकअप कितनी आसानी से कर सकते हैं। तो आज के बाद डिफरेंट ब्रशेस यूज़ करिए और अपने मेकअप में और ज़्यादा निखार लाइए।